सामाजिक कार्यकर्ता और राजीविका ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी द्वारा बेटी के जन्म को व बेटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर जिले की बेटियों को बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर तथा प्रेरक बनाने के लिए क्राफ्ट सेंटर बलदेव नगर बाड़मेर में सोमवार को जिला स्तरीय प्रोत्साहन व सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बतौर अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान चयनित बच्चियों को 20,000 की सम्मान राशि के साथ भेंट किए गए। सामाजिक कार्यकर्ता और राजीविका ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रूमा देवी द्वारा बेटी के जन्म को व बेटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर जिले की बेटियों को बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर तथा प्रेरक बनाने के लिए क्राफ्ट सेंटर बलदेव नगर बाड़मेर में सोमवार को जिला स्तरीय प्रोत्साहन व सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर रूमा देवी अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन व भजन गायिका दरिया व केलम के द्वारा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि वे रूमा देवी को जिले में प्रशंसनीय कार्य करने पर धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रक्षा योजना में चयनित बच्चियों की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराए ताकि ये बच्चियां अन्य सरकारी योजनाओं से भी लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम समन्वयक अतुल कुमार पटेल ने कहा कि रूमा देवी की रक्षा योजना बेटी बचाओ के क्षेत्र में सराहनीय व क्रांतिकारी पहल है। रूमा देवी ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस रक्षा योजना के तहत विपरीत हालातों को झेल रही 30 गांवों की 30 नन्ही बेटियां बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। ये प्रसन्नता की बात है। ये बेटियां अपने जन्म के पहले ही वर्ष में इतना बड़ा सम्मान प्राप्त कर रही है। बेटियों के प्रत्येक जन्मदिवस पर एक एक पौधा लगा करके सम्मान की अगली श्रृंखला में नवजात बेटी अमायरा फातिमा, सुपुत्री सोनिया बानो एवं अहमद खान। कार्यक्रम के दौरान स्वाति चारण, अनुराधा सिंह, तारा चौधरी तथा गायत्री चौबे ने भी अपने विचार साझा किए। वहीं बेटी बचाओ पर सुर संगम के कार्यकर्ताओं ने कठपुतली नाटक के द्वारा बेटी बचाओ का संदेश दिया। वहीं गुड़िया पवार ने नारी शक्ति पर एक काव्य पाठ प्रस्तुत किया। चयनित बच्चियों की माताओं ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी की वजह से उन्हें इतने बड़े मंच पर आने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में डाकघर अधीक्षक अखाराम ने अपनी कर्मचारियों के साथ उपस्थित होकर सुकन्या योजना का खाता खुलवाने में चयनित बेटियों के अभिभावकों को सहयोग प्रदान किया। इस दौरान जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका नरपत सिंह, के डी माली, सीता देवी, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग प्रहलाद सिंह, व्यवस्थापक राजकीय बालिका छात्रावास तारा चौधरी, छात्र संघ अध्यक्ष स्वाति चारण, अनुराधा, डॉक्टर तन्वी, गायत्री देवी सहित चयनित बच्चियों के अभिभावक मौजूद रहे।